हाय गाइस मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप के लिए मॉनिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं वायरलेसली एक फीचर तो इसमें विंडोज़ में पहले से ही था जैसे विंडोज़ एट एंड अबव में कि आप अपने विंडोज़ लैपटॉप की स्क्रीन को स्मार्ट uh, टीवी वी पर वायरसली डिस्प्ले कर सकते हैं या उसको स्क्रीन मिरर कर सकते हैं या फिर जो भी वायरलेस जैसे प्रोजेक्टर्स या वायरलेस डिस्प्ले जो uh, मेरा कास्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं डिस्प्ले उस पर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं लेकिन विंडोज टेन और एलेवन में दोस्तों आप अपने लैपटॉप पर uh, जो डिस्प्ले उसको रिसीव भी कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल मैं इस लैपटॉप के स्क्रीन को इस पर मिरर कर सकता हूँ या फिर एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन को भी अपने लैपटॉप पे कास्ट कर सकता हूँ इसके लिए आपको क्या करना होगा अपने लैपटॉप में प्रोजेक्ट टू दिस पीस सर्च करना पड़ेगा या फिर कनेक्ट ऐप को सर्च करना पड़ेगा उसके बाद में आप जो दूसरी डिवाइस है उसको सर्च करेंगे मेरा कास्ट स्टेबल डिवाइस है तो आपको वो डिवाइस शो हो जाएगी जैसे उसको टैप करके कनेक्ट करेंगे तो उसकी स्क्रीन उस पर वायरलेसली मिरर हो जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे करना है इसको दोस्तों आप अपने विंडोज़ में कनेक्ट ऐप को सर्च कर सकते हैं जैसे विंडोज़ टेन है अभी फिलहाल मेरा तो यहाँ पर कनेक्ट ऐप शो नहीं हो रही है जैसे सेटिंग में दोस्तों आप प्रोजेक्ट टू दिस पीसी सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी या कनेक्ट ऐप आपके ये अभी यहाँ पे ग्रेड है हाईलाइटेड नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों आपको ऑप्शनल फीचर में जाके वायरलेस डिस्प्ले को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑप्शनल फीचर में दोस्तों यहाँ पे आपका एड एड फीचर है क्लिक करना पहले फिर यहाँ पे आप सर्च करिए वायरलेस डिस्प्ले इसके बाद इसको इंस्टॉल कर दीजिए आप दोस्तों अब आपके लैपटॉप में वायरलेस डिस्प्ले वाला ऑप्शनल फीचर इंस्टॉल हो गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कनेक्ट ऐप सर्च करें तो वो भी शो हो जाएगी आपको जैसे कनेक्ट में सर्च करता हूँ यहाँ पे ये कनेक्ट ऐप यहाँ पे शो हो गई है और अगर आप वहाँ पे सेटिंग में जा सर्च करेंगे जैसे विंडो प्लस आई की प्रेस करता हूँ मैं प्रोजेक्ट टू दिस पी तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन भी यहाँ शो हो रहा है प्रोजेक्ट टू दिस पी तो आप जैसे मुझे किसी को कनेक्ट करना है जैसे एंड्रॉयड मोबाइल को मैं पहले कनेक्ट करके दिखाता हूँ इस पर जैसे कि ये वाला स्क्रीन आपका ओपन है प्रोजेक्ट टू दिस पी सी दिस डेस्कटॉप इज रेडी टू कनेक्ट वायरलेस डिस्प्ले तो मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से अब कनेक्ट करता हूँ जैसे इसमें ऊपर से स्वाइप डाउन करता हूँ मैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कास्ट का यहाँ पे दो डिवाइसेस अवेलेबल हैं कास्टिंग के लिए वो शो हो जाएंगी जैसे बेडरूम टीवी तो कॉम कास्ट का नाम है वायरलेस ये डेस्कटॉप टॉप यहाँ पर शो रहा है ये मेरा कंप्यूटर का सेम ही नाम है आप देख सकते हैं सेवन फोर के यू ये वाला इसमें तो टैप करता हूँ मैं इसको तो अब आपके जो एंड्रॉयड की मोबाइल की स्क्रीन है इस पर कास्ट हो गई है अभी सेम ही वे में आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे इस पर कास्ट कर सकते हैं मैं आपको दूसरे लैपटॉप से कास्ट करके बता देता हूँ अब इस वाले लैपटॉप से मुझे जैसे वायरलेस ही कनेक्ट करना है तो मैं जैसे इसमें विंडोज इलेवन है तो विंडो प्लस के की प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर अवेलेबल जो डिस्प्ले होंगे कास्टिंग के लिए या टी होंगे आपको शो हो जाएंगे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप ये सेम आपका शो हो रहा है उसको तो क्लिक करता हूँ मैं आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन अब इस पर मिरर हो गई है मेरी लैपटॉप की दोस्तों जैसे आप मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं वैसे सेम यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे मैं विंडो पी कॉम्बिनेशन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डुप्लीकेट एक्सटेंड सेकेंड स्क्रीन ऑप्शन ये सब नज़र आ रहे हैं तो अभी जैसे एक्सटेंड मोड में है ये मेरा लैपटॉप है तो हम देख सकते हैं फायरफॉक्स से मेरा दूसरे विंडो में खुली हुई है इसको मैं यहाँ भी ला सकता हूँ जैसे एक विंडो यहाँ पर ओपन कर लिया इसको मैं दूसरे विंडो में ले जानी है तो मैं इसको यहाँ भी ले जा सकता हूँ दोस्तों जैसे दो एक्सेल वर्कबुक में मुझे काम करना है उसे कंटेंट शो करना है तो एक वर्कबुक को मैं उधर ले जा सकता हूँ दूसरे पीसी में ये देख सकते हैं दूसरे लैपटॉप में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया अब मैं वहाँ से इजीली मैं कंटेंट वहाँ से देख के और इसमें काम कर सकता हूँ यहाँ मेरा माउस यहाँ भी काम कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है जैसे आप मॉनिटर कनेक्ट करते हैं या फिर टीवी को कनेक्ट करते हैं एचडीएमआई से जो फीचर आपको मिलते हैं सेम ही आपके वायरलेसली आपको ये फीचर मिल रहे हैं तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप के लिए मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं अब मैं आपको विंडोज़ 11 में बता देता हूँ सेटिंग जैसे ये तो विंडोज़ 10 था इसमें भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आप जाएंगे विंडोज़ 11 में यहाँ पर आपको वही एक सेटिंग में पहले जाना है उसके बाद आप सर्च करिए यहाँ पे एप्स एंड ऑप्शनल फीचर्स जैसे ऐप्स सर्च किया मैंने इसके बाद ऑप्शनल फीचर है यहाँ पर ये इसके बाद में आप इसमें ऐड कर सकते हैं ऑप्शनल फीचर एड एंड ऑप्शनल फ़ीचर व्यू फ़ीचर्स यहाँ से क्लिक करेंगे तो वायरलेस डिस्प्ले पहले यहाँ से आप सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए जैसे वायरलेस डिस्प्ले है इसको यहाँ से टिक करिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल अब ये आपका इंस्टॉल होने जा रहा है वायरलेस डिस्प्ले दोस्तों अब ऑप्शनल फीचर में आपका वायरलेस डिस्प्ले इंस्टॉल हो गया है तो अब जैसे सर्च करते हैं हम यहाँ पर तो कनेक्ट ऐप आपको अब यहाँ शो हो जाएगी जैसे कनेक्ट ऐप सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कनेक्ट ऐप यहाँ आ गई पहले नहीं थी विंडोज़ इलेवन में तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें भी जैसे विंडोज़ टेन की तरह ही ऑप्शन दिखा रहा है आपका ये डेस्कटॉप का नाम है और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं मैं दूसरे लैपटॉप से अब इसको वायरलेसली डिस्प्ले करके देखता हूँ विंडो पी प्रेस करता हूँ कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले अब यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप यहाँ शो हो गया है मेरा नाम जो इसका लैपटॉप है अब ये थोड़ी देर में उस पर इसकी स्क्रीन कास्ट हो जाएगी देख सकते हैं अब आपका ये रिप्लीकेट हो गई स्क्रीन इसकी जो विंडोज़ टेन की स्क्रीन विंडोज़ अलेवन पर भी हो गई तो इस तरीके से आप किसी भी लैपटॉप को विंडोज़ टेन हो या अलेवन हो आपस में एक दूसरे को मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं वायरलेस डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप के मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं वायरलेसली डिस्प्ले की तरह उसको कनेक्ट कर सकते हैं तो इसमें आपका दोनों ही फीचर हैं आप उसको किसी भी लैपटॉप को वायरलेस डिस्प्ले बना सकते हैं जो मोस्टली न्यू लैपटॉप्स हैं उसमें कोई इशू नहीं है हो सकता ओल्डर लैपटॉप्स में कोई आपका वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन आ सकता है तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए थैंक यू